पार्ट वन आपने देख लिए, डज इट लुक द सेम मैथमेटिक्स का। आज हम पार्ट टू देखते हैं, ठीक है। पेज नंबर 80 से आपको ये फिरकी बनाने के लिए बोला था। ये फिरकी इसलिए बनाने के लिए बोला गया था आपको, ताकि पता चले 1/4 पार्ट कैसे होता है या फिर 1/4 टर्न कैसे होता है। जब आपको 1/4 पार्ट पता हो जाएगा तो 1/4 टर्न भी पता हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये फिरकी है, ठीक है। कहीं कहीं फिरकी बोलते हैं, कहीं कहीं फिरफिरी बोलते हैं, तो ये फिरकी है। ये देखिए, 4 बराबर टुकड़ों में बटा हुआ है, ठीक। तो आप इसको बनाएंगे। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन आंसर इसके करते हैं। योर विंड मिल, ठीक है, इसको विंड मिल बोलते हैं इंग्लिश में। योर विंड मिल इज रेडी, रन विद इट एंड सी हाउ फास्ट इट मूव्स, ठीक है। दौड़ना है और फिर देखना कितना तेजी से मूवमेंट करता है। डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन 1/4 ऑफ अ टर्न। आप आंसर लिखोगे यस। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न, आंसर बोलोगे यस। हाफ टर्न पे भी आपको वैसे ही फिगर मिलेगा। अगर आप इसको हाफ टर्न लीजिए या फिर 1/4 टर्न लीजिए या 3/4 लीजिए या 4/4 1 कंप्लीट टर्न लीजिए, आपको वैसे ही मिलेगा, ठीक है। यस, अभी बोल रहे हैं क्वेश्चन में डिस्कस, तो आप लिखिएगा कारण। बिकॉज वी विल गेट सिमिलर फिगर, क्योंकि हम तो हर बार वैसे पिक्चर पा रहे हैं, ठीक है। कितना भी टर्न ले वो तो वैसे ही मिल रहा है। 1/4 टर्न बोला है मैंने, 1/4 हाफ टर्न, 3/4 एंड 4/4, आप ऐसे टर्न लोगे तो वैसे ही आपको मिलेगा। यस, अब बोल रहा है, ये देखिए, ये बच्चा दिया गया है, ये अभी कोई मूवमेंट नहीं, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं इस बच्चे में, और इसका जो है 1/4 टर्न लेने पे ऐसे हो जाता है, और जब उसका हाफ टर्न लिया जाता है तो ऐसे हो जाता है ये बच्चा, उसका मुंडी नीचे और पैर ऊपर, और जब 3/4 टर्न लिया जाता है तो ऐसे हो जाता है। अब कैसे टर्न हो रहा है, मेरी बात आपको तब समझ में आएगी जब आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो देख लेंगे, जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। अब मोबाइल में मूवमेंट करूँगा तो पिक्चर टेढ़ा हो जाएगा। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डज द फैन लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। आप आंसर बोलोगे यस। ये वाला जो आपको पिक्चर दिया है, ये तो वैसे ही मिलेगा, 1/4 टर्न हो, हाफ टर्न हो, 3/4 टर्न हो या 1 कंप्लीट टर्न हो, क्योंकि सभी कलर सेम है, बीच में यहाँ पे डॉट है, ठीक है। अब इसमें देखिए वही चीज़ दिखा रहा कि 1/4 टर्न पे आपको ऐसे मिलेगा, ठीक। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 82। हाँ, विल दिस फैन आल्सो लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। बोलो 1/4 टर्न, नो। आप आंसर बोलोगे नो। ड्रा इन द येलो बॉक्स, येलो बॉक्स यहाँ दिया हुआ था, उसमें आप ड्रा करोगे। जब 1/4 टर्न होगा तो येलो वाला आपका ये ब्लेड है, ये ऊपर हो जाएगा और दूसरा नीचे हो जाएगा, और ये, क्योंकि ये आपको मैं बताता हूँ टर्न कैसे होगा, यहाँ से ये आपको इतना मूवमेंट लेना है, ये 1/4 टर्न हुआ। अगर आप यहाँ से इतना और ले लिए तो ये हाफ हो गया। आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आए, ये आपका 3/4 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आ गए आप, तो ये 1 कंप्लीट टर्न हो गया, ठीक है। जब आप इसको ये आप घुमाए, यहाँ लेके आए, तो आपका क्या हो गया, ये येलो वाला इधर आ गया और ये इधर नीचे आ गया, ये इधर हो गया, आपको ऐसे पिक्चर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ आपको प्रैक्टिस टाइम में दे के रखा है, एमंग द फॉलोइंग शेप्स पुट
फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर वन फोर्थ टर्न। अगर हम वन फोर्थ टर्न लेते हैं, वन फोर्थ टर्न कैसे, समझ गए ना, थोड़ा सा मूवमेंट 90 डिग्री पे मूवमेंट लेना है, ठीक है। वन फोर्थ टर्न लेते हैं तो फिर हमको क्या मिलेगा ये बताना है, और तब आपको टिक लगा देना है अगर वो सेम मिलता है। अगर आगे पूछ रहा है, पुट क्रॉस मतलब गलत का सिंबल लगाना है ऑन द शेप दैट विल नॉट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न, और आधे टर्न के बाद अगर 180 डिग्री का टर्न लेते हो, अगर आपको वो पिक्चर अगर सेम नहीं मिलता है, ठीक है, हाफ टर्न पे अगर सेम नहीं मिलता है तो आपको क्रॉस लगा देना है, ठीक है। अब चलिए वन पे देखते हैं। वन वाला जब हम ये ट्रायंगल मूवमेंट करते हैं, ये जो आपको ट्रायंगल दे के रखा है, ये ट्रायंगल जब हम इसको वन फोर्थ टर्न लेंगे तो हमको ये तो यहाँ मिल जाएगा ऐसे, ठीक है, ये तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीचे से सटा हुआ है, ये ऐसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक, तो ये हमको नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये भी हमको नहीं मिलेगा, ये भी हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक। अब आ जाते हैं इस पे, इस क्वेश्चन पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे दे के रखे हैं। 3 को जब हम वन फोर्थ टर्न लेंगे तो नहीं मिलेगा, ये हाफ पर भी नहीं मिलेगा, 4 मिलेगा, वन फोर्थ पर भी मिलेगा, हाफ पर भी मिलेगा, 3/4 पर भी मिलेगा, 4/4 पर मतलब कंप्लीट टर्न पर भी मिलेगा, ये फिफ्थ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए येलो कलर जो है इधर हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन की जगह, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। 6 ये भी मिलेगा हमेशा, वन फोर्थ पर मिलेगा, हाफ पर मिलेगा, 3/4 पर मिलेगा, और वन कंप्लीट टर्न लेंगे तो भी मिलेगा। 7 वाला नहीं मिलेगा, इसका जब टर्न लेंगे। 8 ये तो साइकिल, ये तो पहिए है, ठीक है, ये देखिए आपको मिला है चक्र, तो इस चक्र को टर्न लेंगे तो हमेशा मिलेगा, 1/4, 1/2 और 3/4 टर्न लें, या फिर 4/4 टर्न लें, कंप्लीट टर्न तो भी आपको मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट टर्न लेने पर भी आपको एक कंप्लीट टर्न लेंगे तो भी, 1 कंप्लीट टर्न, 2 कंप्लीट टर्न, 3 कंप्लीट टर्न पूरा लेंगे वो तो कोई भी चीज़ होगा वो तो पूरा मिलेगा, वही मिलेगा हमें, ठीक है। हाँ, आप बी बोल रहा है आपको, ट्राई एंड चेंज द शेप्स इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेंस द सेम ऑन गिविंग इट हाफ अ टर्न, ठीक है, आपको बोल रहा कि ये बताइए अगर हम आधा टर्न लेते हैं तो हमको ऐसा सेम मिले, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, देखिए इसके मैं आपको ऑप्शनल एक और तरीका बताता हूँ और कैसे होता है। देखिए आप यहाँ पे एक पीले कलर का रेक्टेंगल लगा दीजिए, ठीक, पीले कलर का रेक्टेंगल, जैसे यहाँ पे है ये वाला, ऐसे ही इधर भी होना चाहिए, ठीक, और ये जिस कलर का है इसी कलर का ये भी हो जाए, या तो ये जिस कलर का है जोगिए तो ये भी जोगिए कलर हो जाए, ऑरेंज कलर, ठीक है, ये अगर ग्रीन है तो ये भी ग्रीन हो जाए, तब आपका हो जाएगा, और ये डॉट या तो हटा दीजिए या फिर इधर भी एक उसी रंग का डॉट लगा दीजिए। इसको देखिए, ये जो ऐसे दे के रखा है, या तो इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए, या फिर इसको उठा कर इस तरफ कर दीजिए, मतलब ठीक ऐसे कर दीजिए तो आपका हो जाएगा। इसमें से या तो इधर एक डॉट लगा दीजिए, ठीक है, नहीं तो ये डॉट हटा दीजिए, इधर का भी डॉट हटा, इधर तो है ही नहीं, तब आपका हो जाएगा। देखिए इसका आंसर क्या होता है, ये हमने आपको समझाया है, देखिए एक तो ऑप्शन ये है कि आप इसको हटा दीजिए, ठीक है, हाँ,
हाँ थोड़ा ढंग से बना लीजिएगा, ठीक है। ये कलर आप देखिएगा, थोड़ा यहाँ पे ये कलर ब्लर होना चाहिए, थोड़ा यहाँ दिख रहा है ये ग्रीन कलर, ये ब्लर होना चाहिए, ठीक है। ये या तो आप दोनों ऑरेंज कलर के कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए। ये आप इस इधर से डॉट हटा दीजिए, इधर से इसका डॉट हटा दीजिए, जो गोला है इसको ऐसे आप कर सकते हैं तो आपका हो जाएगा, सिमेट्री आपको मिलने लगेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आप हाफ टर्न पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको दे रहा है, ड्रा व्हाट दी फॉलोइंग शेप वुड लुक लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाफ अ टर्न, ठीक है। 1/4 टर्न पे ये जो आपको ए बी सी डी ये चार पिक्चर दे के रखा है, इसका 1/4 टर्न लिखना है और इसका हाफ टर्न लिखना है, 1/2, मतलब 100 डिग्री, 180 डिग्री टर्न लीजिए तो हाफ टर्न हो गया, 90 डिग्री टर्न पर घुमा दीजिए तो आपका 1/4 टर्न हो गया, ठीक। उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा शेप आपको वापस उसके जैसा मिल जाता है, तो इसका आंसर होगा देखिए ऐसा, ठीक है। 1/4 टर्न और हाफ टर्न, ठीक। हाफ टर्न मतलब 1/2, 180 डिग्री पर आप उसको घुमाइए, इतना 0 से 180 डिग्री तक आप घुमा देंगे तो आपका हो जाएगा हाफ टर्न, और 0 से 90 डिग्री तक आप टर्न लेंगे तो 1/4 टर्न। ओके, आपका क्या आंसर हुआ? इसका आंसर कुछ इस तरह से तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक। देख लीजिए, ऑन 1/4 टर्न इमेज ए इमेज सी इमेज डी डू नॉट लुक द सेम ऑन 1/4 टर्न। ओके, जब आप 90 डिग्री का टर्न लोगे तो ये पिक्चर में आपको ये तीन पिक्चर नहीं मिलेंगे, और जब आप 180 डिग्री का टर्न लेंगे मीन्स हाफ टर्न, तो आपको इमेज ए ट्रायंगल डज नॉट लुक द सेम, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम टर्न, यस। व्हिच वन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, यस। ये वाला ए आंसर, ए, ये 1/3 टर्न पे सेम आपको मिलेगा, ये आपको 1/3 पर मिलेगा, नो, ठीक है। 1/3 पे ग्रीन तो यहाँ आ जाएगा, ग्रीन कलर आपका यहाँ आ जाएगा, और ये पिंक हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा, ओके, क्योंकि 1/3 इतना ही होता है, ठीक है। ये 1/3 कैसे होगा आपको ये मैं बताता हूँ, 360 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, मतलब ये 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री टर्न लेगा, ये 120, ये भी 120, ये भी 120 डिग्री, ओके, यस। ड्रा दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न, ठीक है। 1/3 टर्न लेने पर ये ट्रायंगल कैसे दिखेगा और ये आपका रेक्टेंगल कैसे दिखेगा 1/3 टर्न पर, ठीक है। तो 1/3 टर्न पर आपका ये ट्रायंगल तो सेम सेम ही रहेगा, और ये रेक्टेंगल आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे, 1/3 टर्न पर ट्रायंगल ऐसे दिखेगा एज यूजुअल, सिमिलर एज गिवन इन क्वेश्चन आपको वैसे ही मिलेगा, और रेक्टेंगल आपका टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे नहीं मिल रहा, ठीक है। यस, ये क्वेश्चन आपको दे के रखा है 1/6 टर्न, अभी 1/6 टर्न ले रहा है, 6th टर्न मतलब 360 डिवाइडेड बाई 6, 360
सिक्सटीन डिवाइडेड बाई सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स जीरो जा जीरो, मीन्स 60 डिग्री के टर्न पर आपको मोड़ना है, ठीक है। 60 डिग्री के टर्न पर आपको सबको फोल्ड करना है, सॉरी टर्न करना है। ये आपके पिक्चर दिए गए हैं, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, ड्रा हाउ दे विल लुक ऑन 1/3 एंड 1/6 टर्न, ठीक है। इसको 1/3 मतलब 120 डिग्री टर्न आपको घुमाना है, 1/6 मतलब 60 डिग्री टर्न पर आपको घुमाना है, मूवमेंट करना है। ये जो पिक्चर दिया गया है, ये पिक्चर जो दिया गया है आपको चार, इसको पहले आप 120 डिग्री पर टर्न करोगे, फिर उसके बाद इन चारों पिक्चर को 60 डिग्री पर टर्न करोगे, तो क्या ये पिक्चर फिर से मिलेगा, ये आपको बताना। तो ये तो आप बता ही दोगे, हाँ ये तो सारे पिक्चर हमको मिलेंगे। ये आपका पिक्चर है, ठीक है, ये हाँ ये आपका पिक्चर है, देख लीजिए। इसको मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए, जब 1/3 टर्न लेंगे तो आपको सारे पिक्चर मिल जाएंगे, 1/3 टर्न पर आपको सारे पिक्चर के सॉल्यूशन सेम वैसे ही डिक्टू मिल जाएंगे, उसके जैसे इक्वल, इक्वल नहीं बोलेंगे हम, सिमिलर बोलेंगे, ठीक है। वो क्योंकि वो तो टर्न तो हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं कि फर्स्ट हाफ इज इक्वल टू द राइट हाफ, लेफ्ट हाफ पार्ट इज इक्वल टू द राइट हाफ पार्ट, तो यहाँ मान के चलते हैं, ठीक है, तो सिमिलर बोलते हैं इसको, क्योंकि ये सिमेट्री है। आप यहाँ पे देखिए, सारे आपको ये मिल रहे हैं, इसमें सेम है, लेकिन लेकिन अभी देखिए 1/6 टर्न पर, 1/6 टर्न पर क्या आपको सेम मिल रहा है, 1/6 टर्न पर कुछ कुछ चीज़ें आपको सेम नहीं मिल रही हैं, देखिए ये आपको सेम नहीं मिला, ठीक। तो आप लिखोगे कि ये तो नहीं सेम मिला, और ये देखिए इसका ट्रायंगल है ना, इसके अंदर में ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, उसका सेप 1/6 टर्न पर ऊपर चला जाएगा, तो ये भी सेम नहीं है। ये दो पिक्चर आपके डू नॉट सिमिलर, ओके, डू नॉट सिमिलर। चलिए आपने लिख दिया डज नॉट लुक सेम और डज नॉट लुक सिमिलर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर टू, लुक एट द फॉलोइंग शेप, ओके, ये आपको शेप दिख रहे हैं, लुक एट द फॉलोइंग शेप्स, फाइंड आउट विच ऑफ दीज फिगर्स लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, मार्क करेक्ट विच आर द वन दैट विल नॉट लुक सेम आफ्टर 1/3 टर्न, इनकरेक्ट सिंबल लगाना है, ठीक है। तो इसका पिक्चर आपको देखना है, फिर आपको लगाना है। अभी आप सोचिए और अब टिक देखिए, आपने सोचा, ठीक है, ये आपके ये नीचे के तीनों जो हैं फिर से वैसे हमको दिखेंगे 1/3 टर्न पर, लेकिन ऊपर के जो तीन दिए हैं एवब 3 figures डू नॉट लुक सेम, ओके, एवब 3 figure डू नॉट लुक सेम, मीन्स दिस फिगर एंड दिस फिगर डू नॉट लुक सेम, बट दिस एंड दिस लुक सेम, ये आपके गलत हैं, ठीक, यस। ट्राई एंड चेंज द शेप्स बिलो इन सच अ वे दैट दे लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, ठीक है, 1/3 टर्न पर कोशिश करिए आप इसको पता लगाइए,
तरीके हैं, ठीक है, कि ये जो है सही हो जाए। तो इसमें करना क्या है, इसमें देखिए आपको बहुत सारे मिस्टेक्स आपको दिख रहे हैं, मैं आपको डिनोट करता हूँ, ये हमने गलती से लगा दिया ये टिक। ये अगर बिंदी यहाँ पे लगा होता बीच में तो हो जाता है। ये जो दो ब्लेड्स हैं, ये दोनों ब्लेड्स, तीन ब्लेड्स होते तो हो जाता। और देखो ये जो ग्रीन कलर का है ये शेप, इसके अंदर में ग्रीन, येलो, येलो नहीं पिंक, सॉरी पिंक एंड ये दूसरा भी ब्लू कलर का है, ब्लू कलर का ये शेप, और ये डॉट अगर ये बीच में होता तो आपका हो जाता, ठीक है। इसका देखिए आप क्या करेंगे, ये पिक्चर अगर ऐसे होता तो आपका 1/3 टर्न पर लुक एट सेम हो जाता, ठीक है, बट अभी तो उसको नहीं दिखा सकते जब तक ऐसा नहीं हो जाता। ये सारे पिक्चर आपके सही हैं, ऐसे होना था उसको, समझ में आया। तो उसने बोला कि आप और कुछ तरीका खोजिए, तो आपके ये तरीका हुआ, ठीक। उसमें देखिए सब अलग अलग हैं, आपको सिमिलर लग रहा है लेकिन ऐसा है नहीं जैसा क्वेश्चन में दिया है। ये जैसा क्वेश्चन में दिया है फिगर, ये ऐसा है नहीं, ये फिगर इससे अलग है, ठीक है। यस, क्वेश्चन में बोल रहे हैं ड्रा सम शेप्स व्हिच लुक्स द सेम आफ्टर 1/3 टर्न। ड्रा सम शेप्स व्हिच लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न, ठीक है। तो इसका फिगर हम आपको दिखाते हैं, ये फिगर आप देख लीजिए, फिगर दैट लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, ये दोनों फिगर, फिगर दैट लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न, ये फिगर। आप और भी फिगर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बस इतना ही, थैंक यू।